जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? यहाँ पे थोड़ा अपने राइट में आओ, लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट, लेफ्ट में आओ, लेफ्ट में मेरा मुंह। तुम्हारे गांव में लेफ्ट राइट नहीं सिखाया क्या? खुश, खिला दिया, अब तो खा लोगे ना, और अब खाना भी खा लेना, ठीक है? जिंदगी भर भूखे मत रहना। दादी आपके लिए और? नहीं नहीं पुत्र, बहुत है बस। हाँ मैं खाऊंगा। अरे कहाँ जा रही हो? दादी देखा आपने, ये क्या लड़की क्या है, ये समझ नहीं आती मुझे सच्ची। कभी कभी ये कभी इतनी केयर करती है, कभी शिकायत करती है, कभी इतना प्यार दिखाएंगे, और कभी ये ऐसे, ये गो टू हेल टाइप्स। ये बीवियाँ ऐसी होती हैं क्या? हाँ पुत्र ऐसी होती हैं बीवियाँ, और ऐसी होनी भी चाहिए। कभी प्यार, कभी तकरार, कभी मस्ती, कभी शरारत, कभी कभी रूठना, कभी मनाना। पर तुझे एक बात बताऊं, लक्ष्मी ना तुझसे कितनी भी नाराज हो जाए, तेरी केयर करना नहीं छोड़ेगी वो। हाँ दिखाऊं तेरे को? हाँ दिखाओ। ऋषि, ऋषि क्या हो गया तुमको? लक्ष्मी देख ऋषि को क्या हो गया। चांदन क्या हो गया, क्या क्या हुआ? यहाँ दर्द हो रहा है। दर्द कैसे हो रहा है, अचानक से कैसे दर्द हो रहा है, क्या क्या हुआ है? दादी तुसी भी जिद्दी मुंडे का साथ दे रहे हो। मैं तो निकी जी गल समझा रही थी। ना समझ नू समझाना होता है दादी, समझदार नू समझाने थी की लोड़। क्या ये लोड क्या गाली दे गई क्या मुझे? वो पुत्र जो बोल गई उस पे ध्यान ना दे, जो कर गई उस पे ध्यान दे। देखा कैसे दौड़ी दौड़ी चली आई तेरे लिए, सब कुछ भूल के। ये है हमारी लक्ष्मी। सही कह रहे हो आप दादी, तभी तो लक्ष्मी इतनी पसंद है मुझे, सबसे बेस्ट। शालू ऐसे कैसे चलेगा, मतलब ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मिलनी बहुत जरूरी है, अगर नहीं मिलेगी तो फिर दी बेगुनाह कैसे साबित होंगी? वही ना बानी, पता नहीं कौन कौन से सियापे आ जाते हैं। शालू मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। अरे बानी तू हमेशा टेंशन लेने के लिए रेडी क्यों बैठी होती है, और क्या होगा तेरे टेंशन लेने से? कुछ भी नहीं। शालू यही तो बात है ना, ऋषि जी जो हमारे जीजू है, और दी हमारी लक्ष्मी दी। बानी वही लक्ष्मी दी ने क्या सिखाया हमें? क्या? कि पापा जी सबसे ज्यादा मुश्किलें किन्हें देते हैं? जिनमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत होती है उन्हें। करेक्ट। और आखिर में एंड में जीत किसकी होती है? जो सच्चा और सही होता है उसी की जीत होती है। तो बस तू क्यों टेंशन ले रही है, जीजू और दी की भी जीत होगी ही रहेगी, बस थोड़े टाइम की बात है। शालू तुझे पता है मैं ना बाबा जी से रोज अरदास करती हूँ, क्योंकि ऋषि जीजू और लक्ष्मी दी के ऊपर ये मुसीबत है ना, ये सब जल्दी से ठीक हो जाए और सब अच्छा हो जाए। मैं अरे तू अरदास करती रहती है ना, तो बस सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। खाना खा, ठीक है खा। और तेरी तो खीर भी बनाई है ना, ये तो इतनी सी खीर बची, चाची और नेहा ने ज्यादा खा ली होगी। कोई बात नहीं तू खा ले ना, वैसे भी ना मुझे मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं। शालू मुझे ना मुझे खीर नहीं खानी, तू ही खा ले। अरे लेकिन क्यों, ये तो तेरी फेवरेट खीर है, खा। तो मुझे 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 सच में नहीं खानी, तू खा ले। अरे लेकिन बानी तू खीर क्यों नहीं खा रही है बता? शालू वो मैंने ना मन्नत ली हुई है, जब तक ऋषि जी और लक्ष्मी दी मुसीबतें ठीक नहीं हो जाती ना, मैं खीर नहीं खाऊंगी। और खीर तो क्या, मैं ना कुछ भी मीठा नहीं खाऊंगी। लेकिन क्यों किया तूने ऐसा? तू इतना सब कुछ करती है लक्ष्मी दी के लिए, तो मैं कुछ भी नहीं करूं? मुझे भी कुछ करना था इसलिए। पानी जितना तू कर रही है ना, उतना मैं भी नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं है, देख तुझे, तू धीरे धीरे कितनी बड़ी होती जा रही है। नहीं मुझे नहीं होना बड़ा, मुझे ना छोटा ही रहना है। अच्छा क्यों? समझ गए, ताकि लक्ष्मी दी तुझसे ज्यादा प्यार कर सके, इसलिए है ना? हाँ माँ बाबू जी की मैं ही लाडली थी सबसे, है कि नहीं? और लक्ष्मी दी की भी लाडली मैं ही हूँ और मैं ही रहूंगी। हाँ ठीक है, तू ही लाडली है, तू ही रहेगी।
कि अब लक्ष्मी दी हमारी सब कुछ है, हमारी माँ बाबूजी दुनिया सब कुछ। अरे तू तो खीर खा ही सकती है, ये ले। कैसी है? मैंने बनाई है बहुत अच्छी। और हाँ, मलिष्का, yes mom, yes, ऋषि आज भी मुझसे ही प्यार करते हैं। उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ, आज भी मैं ही हूँ। अब उस दो कौड़े की लक्ष्मी है ना, उसकी वाइफ बनी फिरती है। मैं वाइफ, ऋषि की वाइफ हूँ। ऋषि ने अपनी उसी सो कॉल्ड वाइफ के आगे ना मुझे मुझे मेरे लिए प्यार दिखाया, मेरी केयर की, मुझे मुझे संभाला, मुझे अपनी बाहों में लिया, और पता मेरा हाथ भी पकड़ा हुआ था थ्रू आउट उसके सामने। तुम्हारी बातों से मुझे भी यही लग रहा है कि ऋषि के दिल में अब भी तुम ही हो। बेशक उस लक्ष्मी ने उसका दिल और दिमाग कंट्रोल में रखा हुआ है, लेकिन दिल में अभी भी तुम हो ऋषि के, आई एम श्योर। इसका मतलब ऋषि के दिल में अभी भी मैं ही हूँ, और ये सब मैं जो भी कर रही हूँ ना, जो भी लक्ष्मी को रास्ते से हटाने के लिए या जो भी कर रही हूँ, ये सब फ्रूटफुल होगा ना मॉम, मुझे मेरा ऋषि मिल जाएगा। आई एम श्योर ऋषि को ना मैं ही जीतूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए उसे मैं अपना बना के रहूंगी। और मॉम ऋषि भी ऐसे ही तड़प रहा होगा ना मेरे लिए। आई नो बेटा, बट उसके लिए तुम्हें लक्ष्मी को अपने रास्ते से बहुत जल्दी दूर करना होगा। यू नो व्हाट आई मीन? यस आई नो, और करते रही हूँ, देखते रही हूँ ना आप। लेकिन मेरी बदकिस्मती है ना, वो हमेशा लक्ष्मी की साइड ही लेती है। आपने देखा नहीं कैसे ऋषि की लाइफ में थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी, कब से गर्लफ्रेंड थी, और लेकिन शादी किससे हुई? उस लक्ष्मी से हो गई। आई नो बेटा, बट जो खेल तुमने लक्ष्मी के लिए रचा था ना, उसमें ऋषि ने ही मात ले ली है। बट यू डोंट हैव टू वरी, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, समझ रही हो ना? यस मॉम। लेकिन अभी सबसे बड़ा बवाल है वो फुटेज। बस वो फुटेज किसी भी तरह से हमारे ही हाथ आनी चाहिए और किसी के नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मॉम वो वहां पे है, लक्ष्मी लक्ष्मी को छू रहा होगा, लक्ष्मी का हाथ पकड़ रहा होगा, माथा चूम रहा होगा, लक्ष्मी को अपनी बाहों में ले रहा होगा, और मैं यहाँ पे घंटा बजा रहा हूँ। दिमाग चल गया, मेरे पास का खड़ा होगा, कुछ मुझे गुस्सा आता है, तुझे पता ना, तो मुझे गुस्सा आता है, मैं पागल हो जाता हूँ। तो ना किसी और के गुस्से के चक्कर में तू मौत तेरी ना हो जा, दूर रहकर मेरे से। मेरी मौत करके क्या करेगा? पेन ड्राइव तेरे पास है, क्या सोच रहा तू? ऋषि जेल से बाहर आ गया, और अब वो जेल से बाहर आ गया, वो घर में रहेगा लक्ष्मी के साथ, वो लक्ष्मी को हाथ लगाएगा, लक्ष्मी को बाहों में लेगा, लक्ष्मी के साथ वो सब करेगा। खुद तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लक्ष्मी से प्यार हो रखा, मेरी सनक है, मैं पागल हो गया, या फिर मेरी जिद है, और जो कि लक्ष्मी को कोई और हाथ लगा रहा हूँ किसी और के साथ, जो मेरा पहले बताता यार, वो ऋषि को वहीं जेल में मरवा देता मैं। तुझे पता नहीं, तुझे भी नहीं पता मेरा जानी दुश्मन है, पता है ना तुझे? क्यों नहीं मरवाया? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।